पब्लिक में नाम पहुंचा तो तभी तो मीडिया आने लग रही है जी। मीडिया भी खूब आ रही है। हाँ, 30-35 टीम आ चुकी है। ये लकड़ी से बनाई है जी। अच्छा, ये जो टैंक है, हाँ, ये लकड़ी से बनाया है जी। अगर इसको आप साइलेंट मोड में चलाना चाहो, साइलेंट में, अगर कोई कोई भाई कहता है कि भाई बुलेट वाली फीलिंग तो नहीं आई, तो आवाज़ के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। ये सब सभी चीज़ें यहाँ पर जैसे और काम कर रहा है जी। यहाँ पर इसकी लाइट वगैरह देख सकते हो जी, इंडिकेटर लाइट भी होगी। हाँ, इंडिकेटर वगैरह देख सकते हो जी। और ब्रेक को छोड़ते ही है चलना स्टार्ट हो जाते जी ऐसे। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आती है, इलेक्ट्रिक बाइक हो कि मोटर ऑटोमेटिक कर कट मार देती है जी। कंपनी आप जो स्कूटी वगैरह बना रही है उनके लिए यूज़? हाँ, वे छोटे मॉडल में आती है, जैसे 14 इंच रिम में स्कूटी के आते हैं, ये 17 इंच रिम में इसके लिए आता है जी। दबाते इसके बाद आते हैं अंगूठे के नीचे और इसको साइलेंट मोड में चलाते हैं, अंगूठे को हटा देते हैं। हमारा ट्रैक्टर सेल हो चुके हैं जी, 30,000 रुपये की रेंज की है। जमीन पर चलने वाली चीज़ तो बहुत बना जी, हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने की है। कीमत कितनी बनी टोटल मिला? कीमत इसकी 17,000 रुपये रेंज रखी थी जी। आपको देश की कार निर्माता मारुति का नाम तो खूब सुना है, क्योंकि अगर लाइफलाइन के तौर पे देखा जाए, सबसे ज़्यादा गाड़ियों के तौर पर इंडिया में अगर देखा जाए तो मारुति है। मारुति भगवान हनुमान का ही एक नाम है, और भगवान हनुमान का एक दूसरा नाम है महावीर। आप कहेंगे ये महावीर क्या है? हरियाणा में भी मारुति की तरह एक महावीर बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है आजकल, और महावीर इसलिए परिषद ज़्यादा लोगों में चर्चा का विषय इसलिए उसका है क्योंकि उसने कई व्हीकल ऐसे बना दिए हैं जो कि मारुति की तरह लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। महावीर का गांव है सीसर, जो कि हिसार ज़िले का गांव है, और अभी मैं महावीर के पास ही पहुंचा हूं। आपने हालांकि देखी होगी, बहुत सारी उसकी वीडियोस भी देखी होगी, छोटी छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों तक अब उसने बनानी शुरू कर दिया। चाहे हम बुलेट की बात करो, साइकिल की बात करो, ट्रैक्टर की बात करो, बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई है। महावीर मेरे साथ हैं। महावीर, आजकल मारुति की तरह नाम खूब हो रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ, 2 करोड़ पब्लिक के साथ पहुँच चुका है जी। हाँ हाँ जी, अब पब्लिक में नाम पहुँचा तो हाँ, तभी तो मीडिया आने लग रही है जी। हाँ, मीडिया भी खूब आ रही है। हाँ, 30-35 टीम आ चुकी है जी। हाँ जी, तुमने बनाया बहुत अच्छा भाई। हाँ, बिल्कुल अच्छा है। जो चीज़ बनाई है जी, यूजेबल सौदे बनाए हैं जी। जैसे साइकिल बनाई बिल्कुल यूजफुल है जी। हाँ, परफेक्ट पर तरीके से ही काम कर रही है जी। जो ये बुलेट बना है, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है जी। ट्रैक्टर है भी, ये भी सही यूजेबल चीज़ें बनाई हैं जी। ठीक है, महावीर के बहुत सारे जो व्हीकल है उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत इस बुलेट से करते हैं। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बुलेट है, आवाज़ और बिना आवाज़ दोनों तरीके से चलती है। ऐसा क्या किया भाई, आवाज़ भी आएगी और बिना आवाज़ भी? इसके अंदर ये पहले आप देख सकते हैं जी, टंकी आपको लोहे की नजर आ रही देखने में जी। हाँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी, ये लकड़ी से बनाई है जी। अच्छा, ये जो टैंक है, हाँ, ये लकड़ी से बनाया है जी। अच्छा, इसमें पेट्रोल की बजाय आपने इलेक्ट्रिक बना रखे जी? इलेक्ट्रिक में तो पेट्रोल वगैरह नहीं डलता ना। हाँ, तो इसके अंदर मैंने ये एम्पलीफायर फिट करके साइलेंसर के अंदर एक स्पीकर फिट कर रखे जी मैंने। अच्छा, जो इसकी साउंड निकाला है। अच्छा, बुलेट का एहसास तो रहेगा। हाँ, अगर इसको आप साइलेंट मोड में चलाना चाहो, साइलेंट में, अगर कोई कोई भाई कहता है कि भाई बुलेट वाली फीलिंग तो नहीं आई, तो आवाज़ के साथ भी आप इसको चला सकते हैं। पहले एक बार मनीष को कहूँगा, बुलेट पूरी दिखा भाई एक बार, किस प्रकार की है, दिखने में कैसी है। नहीं चलाई तो अभी महावीर ने चलाई थी, दिखाओ भाई एक बार पूरी की पूरी। आप देखोगे ये बुलेट की कॉपी है, पर सारी की सारी महावीर ने अपने हाथ से बनाई। इसमें बुलेट की एक लाइट कहते हैं कि लाइट को छोड़ के बाकी सारा कुछ इनका खुद का बनाया। हाँ जी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जैसे और काम कर रहा है जी। यहाँ पर इसकी लाइट वगैरह देख सकते हो जी, इंडिकेटर लाइट भी होगी। हाँ, इंडिकेटर वगैरह देख सकते हो जी। ये यही में एक चीज़ और है जी, ये फोल्ड भी हो जाता है जी ऐसे, देखो जी। अच्छा, ये हाँ, ये फोल्डिंग वाला सिस्टम है, जैसे पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। और इसके अंदर चार्जर, जैसे चार्जिंग का पॉइंट भी मैंने साथ में दे रखा है जी इसमें। बाई चांस हम सफ़र कर रहे हैं, बैटरी लो होगी, तो हमें इस चार्जर की सहायता से हम वहाँ पर चार्जिंग भी इसे लगा सकते हैं जी। ये इलेक्ट्रिक बाइक है भाई, इसकी देखो सारी चीज़ें सोच सोच के लगा रखी है। सीट तो खैर बुलेट वाली है ना? हाँ हाँ, सीट तो बुलेट वाली है जी। हाँ, तो और क्या खासियत है महावीर इसके अंदर? और जी, ये इसमें एक खास ये बात ये है जी, जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं, और इसके ब्रेक को तो हमने दबा रखा है, तो इसका थ्रोटल काम नहीं करेगा जी। अच्छा, और ब्रेक को छोड़ते ही है चलना स्टार्ट हो जाते जी ऐसे। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आती है, इलेक्ट्रिक बाइक हो कि मोटर ऑटोमेटिक कर कट मार देती है जी। और मैं दिखाना चाहता हूँ जी, इसके अंदर जी मैंने ये अब मोटर लगा रखी जी, ये रिम होता जी। अच्छा, ये मोटर लगा? हाँ, ये 1500 वाट की अब मोटर है जी, यही चलाती है जी इसको। ये 1500 वाट की अब मोटर है जी, ये 48 वोल्ट 4 बैटरियों के साथ भी चलती है, और ये 5 बैटरियों के साथ।
चार बैटरियों में इसकी स्पीड है जी 50 की और 5 बैटरियों में इसकी स्पीड रहेगी 60 की जी। अच्छा ये मोटर कहाँ से मिली फिर? हाँ ये दिल्ली से लेके आए हैं जी। अच्छा ये टायर में फिट आती है ऐसे? हाँ रिम आता है जी, इसके अंदर टायर हमने फिट करना पड़ता है जी। ये मैंने इसके अंदर ये चिमटा वगैरह बना के वेल्डिंग की सहायता से इसके अंदर जो भी वर्क है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क है या पेंटिंग का वर्क है, फर्नीचर का। मोटर का यूज वैसे किस लिए होता है? ये व्हीकल बनाने के लिए होता है जी। अच्छा व्हीकल कंपनी आप जो स्कूटी वगैरह बना रही है उनके लिए यूज? हाँ वे छोटे मॉडल में आते हैं जैसे 14 इंच रिम में स्कूटी के आते हैं, ये 17.5-17 इंच रिम में इसके लिए आता है जी। अच्छा तो ये आपने ये लगा दिया, ठीक है। और क्या बता रहे थे आप इसमें? इसके अंदर ये 4 बैटरियां जी, ये स्कूटी वाली 4 बैटरी हैं जी, ये 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी हैं जी। 48 वोल्ट की बैटरी होगी जी, 28 एम्पीयर है, एम्पीयर दिखा रही जी। हाँ ये साथ में चार्जर अटैच कर दिया और ये एक स्पीकर यहाँ पर फिट कर रखे है जी साउंड के लिए। ये यहाँ पर इसका ओरन है जी, हाँ यहाँ से लाइट ऑन ऑफ होती है जी, इंडिकेटर वगैरह यहाँ से होते हैं जी। मतलब छोटा कुछ नहीं बाकी? हाँ साउंड के लिए यहाँ पर ये बटन दे रखे, स्पोर्ट्स बटन है, दबाते इसके बाद आते हैं अंगूठे के नीचे और इसको साइलेंट मोड चलाते हैं, अंगूठे को हटा देते हैं। अच्छा क्योंकि जैसे हम ये साउंड फिर कहाँ से उठाई भाई, इस तरह की साउंड आएगी? साउंड तो रिकॉर्ड कर लीजिए किसी वोल्ट की साउंड वैसे रिकॉर्ड करके और चिप के अंदर साउंड करके इस तरह फिट कर दीजिए इसके अंदर जी। दिमाग की दही बना रही है? हाँ दिमाग लगा है। हाँ जी। काम क्या करते हो महावीर वैसे? काम तो ऑलराउंडर कलाकार, मल्टी टैलेंटेड जी। अच्छा साथ में एक जॉब भी करता हूँ जी। हाँ किस डिपार्टमेंट? डीसी एनिमल हॉस्पिटल है जी। अच्छा डीसी रेट पर जी। हाँ जी डीसी रेट पर जी, कौशल योजना के तहत। हाँ फिर ये जोन से तनख्वाह मिलती होगी इन्हें मिला देना? हाँ जी वो तो इनका रोजगार भी तो है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह सेल भी करने के लिए पर्पज है अपना जी। अच्छा हो जाते हैं? हाँ जी साइकिल सेल हो चुके हैं, ट्रैक्टर भी सेल हो चुके हैं जी। अच्छा हाँ कुछ बेचे हैं? हाँ 12 ट्रैक्टर सेल हो चुके हैं जी, 30,000 रुपये की रेंज के हैं, 2-3 साइकिल अभी फिलहाल ऑर्डर आए हुए हैं 5-6 महीने तक, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं जी। अच्छा हाँ जी कि वोल्ट के सारा काम खुद ही कर दो, किसी को साथ में नहीं रखते? खुद ही करते हैं जी। इसके अंदर जो है फर्नीचर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, वेल्डिंग का काम है, वो सारे काम कर लेते हैं जी। ये सारे खुद ही करते हो? हाँ सारे खुद ही करते हैं जी। तो ये तो सफाई तो बड़ी ज्यादा है, इसके लिए तो बड़ी मशीनों की जरूरत होगी अब ना? छोटे मोटे अपने पास है, ग्राइंडर मशीन होगी, ड्रिल मशीन होगी, सिपका मशीन, ये 5-6 छोटी छोटी मशीन है जी। हाँ एक बॉक्स के अंदर आ जाए, उन्हीं से बना दिया जी। अब मेरा नया आविष्कार है जी हेलीकॉप्टर बनाने का जी। अच्छा हाँ जी जमीन पर चलने वाली चीज तो बहुत बना जी, हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने की है। कीमत कितनी बनी टोटल मिला के? कीमत इसकी 70,000 रुपये रेंज रखी थी जी। अच्छा अगर सरकार परमिशन देगी तो हम इसको सेल परचेज के लिए निकालेंगे जी। हाँ वैसे सेल के लिए क्योंकि कई चीजें हैं कि जो दूसरी कंपनियों की वो कर, कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए हम जो अगला नया मॉडल बनाएंगे उससे भी बढ़िया रहेगा जी। ये कितने दिन से शुरू करके है सारा कुछ? ये काम तो जी मैंने 2013 से स्टार्टिंग दी जी। हाँ तो मीडिया के सामने अभी आया हूँ। अच्छा 2013 से? हाँ बेचने आपसे पहले शुरू करके या मीडिया में आने के बाद बिकने? ना पहले बिक चुके हैं जी। अच्छा ये तो ये ऑफ नहीं कर, एक बार इधर दिखाओ मनीष एक बार। अच्छा ये भी देखो भाई सुंदर लगे, उसके लिए भी पूरे मीटर वीटर सारे? हाँ मीटर लगा रखे जी, ये बैटरी यहाँ पर 50 किलोमीटर के लिए ये मीटर दिखा रखे जी, जैसे पहले अंडा ऑफ होते जी 20 किलोमीटर निकाल देता है, फिर ये 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर की तरह से पूरा 50 किलोमीटर निकाल देता है जी। एक्यूरेसी कैसे बनाते हो भाई, क्योंकि एक भी इतनी स्पीड से ये बैलेंस रहेगा ही लेगी नहीं, और वो सारी चीज़ों की टेक्निकल जानकारी कहाँ से? टेक्निकल जानकारी इसमें तो टाइम लगा जी, 1 महीना लग गया ना, जब तक सक्सेसफुल नहीं है तभी बार नहीं निकाला जी। अच्छा हाँ इसमें कमियाँ भी बहुत आई जी धीरे धीरे, उनमें सफाई से कई बार उल्टा पट, हाँ हाँ कई बार उल्टा पट्टी जी। पहले जैसे इस व्हील को मैं अगले फिट करना चाह रहा था, सेटिंग नहीं बनी, तो पीछे वाले चिमटा वगैरह भी सेट नहीं आया, तो मैंने ये एल टाइप की दो एंगल ले की उसके अंदर ये फिट किया है जी। महावीर का आविष्कार गजबकार, गांव के भी कई सारे लोग खड़े हैं, आप इसी गांव से हो? हाँ इसी गांव के। महावीर ने तो कमाल करके है। हाँ कमाल जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ। बहुत हर एक चीज बना सकता है। अच्छा पेंटर भी कितने प्रेस में पेंटर बना रखे है। हाँ। सब कलाकार है जी, हर एक चीज का ही हो। हाँ बढ़िया। आप क्या कहोगे जी महावीर की इस कलाकारी? बढ़िया जी, कंपनी भी फैल बना दी जी तो। चार पांच कंपनी को फराज है हमारे पास, लग जाए कोई 40,000 सैलरी गया है, कोई 50,000 रुपये, क्योंकि जो हम अपना ओनर है, जो हम पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं, जो नया आविष्कार हेलीकॉप्टर का करने का है। 40,000 तो सस्ता है। हाँ जी तो अपने, हाँ जी तो
डीसी रेट पे काम करते हो आप? हाँ, डीसी रेट पे काम कर रहे हैं जी। तो बाकी परिवार क्या काम करता है? तीन भाई हैं जी, मेरे से बड़ा जो पंचायत ऑफिसर है जी, और जो बड़े बड़ा है जो आनंद जांगड़ा जी, वो अपना फर्नीचर का काम करते जी। अच्छा। उनका भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बढ़िया काम है जी, दो तीन बंदे काम करते हैं। सबसे छोटा महावीर है? छोटा महावीर है जी। महावीर का ये शौक है? सबसे छोटा महावीर है, उन्होंने पूरा नाम कमा लिया जी। आज दो करोड़ पब्लिक उनको देख रही है जी। हाँ, 2 करोड़ पब्लिक के फेस वैल्यू चली गई है जी। गांव का नाम कर दिया छोरे ने? हाँ जी, रोशन कर दिया जी गांव। रडू ऐसे बनाए थे जी, पानी भर के रडू, पानी नहीं निकला जी। अच्छा। हाँ, कदे भी एक ओस भी पानी की बार नहीं आई। वो कहा करे जी, मुझसे जब बड़े बल्ले खोद देंगे। हाँ, वो इस तरह के रेडू बनाया? हाँ जी यार, एक मैसूर था सिसरा रेडू। हाँ, ये तो बात बड़ी बात है। ये सारा डूबना दिया करते जैसे पानी का भर लो, और वो तख्ता निकाले बगैर पानी नहीं निकलता था जी। अच्छा। हाँ, ये था आपके पास, ये अपने चाचा जी हैं, दादा जी जो भी हैं, आप इनसे पूछ सकते हो जी। मेरा बना दे। ना मापे दी पिता पे घोड़ा है, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा है ना, पूरा है, सही बात है जी। तो भाई महावीर की ये बुलेट देख के आप लोग क्या कहोगे? देखो कलाकारी तो गजब की करके है छोरे ने, हर चीज जोड़ रखी है। स्पीड कितनी रहती है? स्पीड इसकी 50 की है जी। 85 किलोमीटर निकाल देते जी एक बारी में। हाँ, ये खर्चा कितना? ये सैलरी सेल के लिए 70,000 रुपये निकाला था, लेकिन परमिशन की बात सोचे उसका किलोमीटर का खर्चा ये एक बार चार्ज कितने? 10 रुपये में चार्ज हो जाती जी। 10 रुपये में 50 किलोमीटर जी। अच्छा। 10 रुपये की बिजली खर्च होती है जी, 50 किलोमीटर चले जाती है जी। ये तो पीछे भी कम पड़ गया खर्चा। हाँ, खर्चा कम पड़ गया, तभी तो पब्लिक ला रहा है। जैसे 70,000 रुपये मांगे थे मैंने, इसके भी 80,000 रुपये देने के लिए पब्लिक आ चुकी है जी। क्योंकि अगर मैंने यही बेच दी तो मीडिया वाले बाट देखेंगे जी। तो भाई महावीर के इस आविष्कार को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके कई चीज और भी जो इसने आविष्कार किए हैं, वो मैं आपको 1x1 दिखाऊंगा। फिलहाल इस बुलेट को लेकर के इसमें आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं और नया क्या हो सकता है? अगर आपके पास कोई सलाह है तो वो भी दे दो। वैसे इसको सलाह की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके खून में एक मैकेनिक पना है भाई, और वो ये दिखा भी रहा है। शुक्रिया आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए।